Now next C program again based on number system conversion. इस केस में जस्ट परफॉर्म कराएंगे how to converting given hexadecimal number into equivalent decimal number system. इस required क्या है? Input supply करेंगे in the form of hexadecimal format plus conversion किस format में कराना है? Equivalent decimal number system. तो इस केस में hexadecimal को जस्ट read करेंगे in the form of string. Input किस form में provide करेंगे in the form of string. इसलिए function का argument type use करेंगे इधर. String क्यों मैं logic से just provide करूँगा in the form of user defined functions plus इसका result किस format में create हुआ in the form of decimal means decimal number को just मैं store कराऊँगा represent करूँगा in the form of integer representations clear सबसे पहले मैं इस केस में relation provide करूँगा then finally discuss करेंगे source code and logics for example अगर hexadecimal और decimal के respect बात करें in case of hexadecimal और decimal इस आपके पास अवेलेबल क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू हेक्साडेसिमल के रिस्पेक्ट में बात करें तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन आफ्टर दैट ए बी सी डी ई एंड एफ क्लियर इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज की बात करें व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू मीन्स 0 के इक्विवेलेंट मीन्स 0 टू 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल डिजिट्स कैसे होंगे एग्जैक्टली सेम देयर इज नो चेंज 0 1 2 3 3 के केस में क्या है 3 4 के केस में 4 5 के केस में 5 6 के केस में 6 7 8 9 बिकॉज़ 0 टू 9 डिजिट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी पार्ट है सेम डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम का भी पार्ट है देन अगर ए की बात करें ए के मीन्स ए का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगा 10 बी का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या होगा 11 सी के केस में 12 डी के केस में 13 14 एंड फाइनली एफ के केस में क्या होगा एग्जैक्टली 15 तो इस केस में जस्ट मैं ये इनपुट रीड कर रहा हूं फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सम हेक्साडेसिमल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे कैरेक्टर एरे के केस में जस्ट इनपुट में प्रोवाइड कर रहा हूं लाइक दैट 1 ए एफ आपको पता होना चाहिए इस केस में जस्ट इसे एरे का टाइप क्या है कैरेक्टर एरे 0 1 2 एंड फाइनली नल टर्मिनेटेड बाय नल कंडीशन और नल कैरेक्टर फाइनली इस केस में 1 ए एफ फाउंड क्या रहेगा डिजिट्स और एज अ कैरेक्टर्स जस्ट इस केस में अगर इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगा सबसे पहले आपके पास डिजिट क्या है एफ और एफ को जस्ट मल्टीप्लाई किससे कराओगे f मल्टीप्लाई मींस देखो अगेन इसे एक पर्टिकुलर नंबर अवेलेबल किस फॉर्मेट में बेस 16 बेस 16 के फॉर्म में अवेलेबल फॉर्मेट क्या है 1 a f प्लस इसको कन्वर्ट किस में कराना है इनटू इक्विवेलेंट बेस 10 तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 16 टू द पावर 0 16 टू द पावर 1 16 टू द पावर 2 क्लियर लाइक दैट इस केस में जस्ट f क्या राइट मोस्ट डिजिट तो इसको मल्टीप्लाई किससे कराओ 16 टू द पावर 0 व्हिच इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस नेक्स्ट टाइम डिजिट क्या है a a के केस में जस्ट यूज कर रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 16 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 1 के केस में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 2 व्हिच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 256 बिकॉज 16 का स्क्वायर क्या है जस्ट 256 इस टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म करने की नीड है लेकिन इस केस में 16 को डायरेक्टली f से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है f के प्लेस पर जस्ट आपको करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है 15 मीन्स f के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस किया हुआ इट इज इक्विवेलेंट टू 15 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 0 विच इज नथिंग बट 16 टू द पावर 0 क्या आएगा जस्ट 1 प्लस नेक्स्ट 1 ए ए के प्लेस पर भी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू का रिप्लेस कराएंगे एफ के प्लेस पर क्या आएगा 15 ए के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट 10 10 मल्टीप्लाई बाय 16 सिमिलरली 1 1 ऑलरेडी क्या है 1 का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है आल्सो 1 तो 1 के केस में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय 256 लाइक दैट इस टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म करने की नीड है प्लस इस केस में मैनेज क्या करना है 16 टू द पावर वन मोर केस और इस केस में जस्ट फर्स्ट टाइम एफ को रीड करें तो रियल में एफ किस फॉर्मेट में है एफ किस फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में डिजिट्स के फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में एफ किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स लेकिन इसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड क्या है करेस्पॉन्डिंग डिजिट्स तो इसे एफ के अकॉर्डिंग जब भी आप डिजिट्स को रीड करो टू पॉसिबल केस हैं वन के रिस्पेक्ट में बात करें वन क्या है कैरेक्टर लेकिन रिक्वायर्ड क्या है इक्विवेलेंट वैल्यू है डिजिट तो वन को
डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, सबट्रैक्ट किससे करा देंगे, आस्क वैल्यू ऑफ जीरो, देन आपको क्या मिल जाएगा, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू एज वन सेम एज। लेकिन अगर ए और एफ के रिस्पेक्ट में बात करें, ए के रिस्पेक्ट में जस्ट ए को ए के प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 10, तो इस केस में अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का डिजिट आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए 10, बी के रिस्पेक्ट में 11, देन इस वैल्यू को आप कन्वर्ट कैसे करा हुए, दीज आर डिजिट्स अवेलेबल इनसाइड हेक्सा डेसिमल एरे और कैरेक्टर एरे। तो ए के केस में जस्ट ए का आस्की वैल्यू क्या है, ए के प्लेस पर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 10, क्लियर। और ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए का आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू ऑफ ए इज 65, तो 65 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे आपको वैल्यू 10 मिलेगा, क्लियर। 65 में सिंपली आप सब्ट्रैक्ट क्या करा दोगे 55, देन आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा जस्ट 10। सिमिलरली बी के केस में बात करें, बी का आस्की वैल्यू क्या है 66 में से भी अगर आप 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे देन क्या मिलेगा जस्ट 11। सेम एज सी, सी के केस में आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, सी का आस्की वैल्यू क्या होता है 67, मीन्स इसके आस्की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट क्या कराओ जस्ट 55, मीन्स किसी भी अल्फाबेट से अगर आप 65 को सब्ट्रैक्ट कराओ देन आपको क्या मिलेगा करेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू। मीन्स इस केस में अगर कोई डिजिट फाउंड होता है, डिजिट के रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्शन किससे कराएंगे जीरो से, और अगर अल्फाबेट फाउंड होता है ए टू एफ, देन इस केस में सब्ट्रैक्शन किससे कराएंगे 55 से। दिस इज द लॉजिक्स। इसके लिए जस्ट मैं फंक्शन इंप्लीमेंट करूँ, फंक्शन के केस में रिजल्ट किस फॉर्म में रिटर्न होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर वी आर टेकिंग रिटर्न टाइप एज इंटीजर, फंक्शन नेम एज, परफॉर्म क्या हो रहा है हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, देयरफॉर वी आर टेकिंग फंक्शन नेम एज हेक्स टू डेसिमल। आर्ग्यूमेंट में सप्लाई क्या करेंगे हेक्सा डेसिमल एरे, एरे का टाइप क्या हो, किस फॉर्म में पास हो, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे एज। नेक्स्ट वन, इस केस में लूप के केस में जस्ट आप जब इस पर्टिकुलर केस को मैनेज करोगे तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किस में होगा 16 टू द पावर 0 का, 16 टू द पावर 0 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे 1, और 1 नेक्स्ट टाइम 16, नेक्स्ट टाइम 256, तो पावर को मैनेज करने के लिए सिंपली एक वेरिएबल यूज करेंगे p विद इनिशियल वैल्यू एज 1, इनिशियलाइज में लूप में परफॉर्म कराऊंगा, प्लस इंडेक्स को मैनेज करने के लिए क्रिएट क्या करेंगे वेरिएबल i, डेसिमल नंबर के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा वेरिएबल एज d विद इनिशियल वैल्यू एज 0, क्लियर। सबसे पहले आपको परफॉर्म क्या कराना, आई के थ्रू इस एरे को राइट टू लेफ्ट रिट्रीट करना फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, जैसे आई का वैल्यू माइनस में होगा लूप स्टॉप कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस में फोर लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, रिक्वायर्ड क्या इनिशियल वैल्यू 2, मीन्स लेंथ ऑफ एरे माइनस 1, लेंथ क्या है 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यूज क्या करें एस टी आर एल ई एन, देन लेंथ किसका कैलकुलेट करना है हेक्सा डेसिमल एरे एच, सप्लाई करेंगे एच माइनस 1, देन पी के रिस्पेक्ट में बात करें पी का इनिशियल वैल्यू क्या एक्सपेक्ट है, मीन्स आई पी एंड डेसिमल टोटल वैल्यूज कितने मैनेज कर रहे हैं 3, तो आई के केस में क्या साइन हो रहा है लेंथ, लेंथ क्या है 3, 3 माइनस 1 इज 2, पी के केस में 1, देन डी के केस में क्या जाएगा जस्ट इनिशियल वैल्यू है 0 जो कि ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं, पी इक्वल्स टू 1, प्लस ये लूप कब तक चला हुआ है जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा, मीन्स वैलिड इंडेक्स क्या अप टू लेंथ माइनस 1 टू 0, तो यूज क्या करें इस केस में कंडीशन आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एवरी टाइम, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या आएगा 2, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 0, तो नेक्स्ट टाइम मीन्स 2 1 0 माइनस 1, वो आई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, पी के रिस्पेक्ट में बात करें पी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या पी के लिए 1, नेक्स्ट टाइम 16, तो 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे देन क्या मिल जाएगा 16, नेक्स्ट टाइम आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 256, तो 16 को अगेन 16 से मल्टीप्लाई करो देन क्या मिल जाएगा 256, तो पी में एवरी टाइम आपको मल्टीप्लाई कैसे कराना है पी मल्टीप्लाई बाई 16। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आपको परफॉर्म क्या कराना है, इसे ए ऑफ आई में कहीं ना कहीं फाउंड क्या होगा गिवन डिजिट्स, तो जो भी डिजिट फाउंड होगा डिजिट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट फर्स्ट टाइम I का वैल्यू क्या है 2, मीन्स आप विजिट किसको कर रहे F को लास्ट डिजिट, तो F में जस्ट मल्टीप्लिकेशन किससे कराना है मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 0 विच इज 1, 1 तो 1 किस में स्टोर है P में, तो मल्टीप्लाई मीन्स इस प्लेस पर यूज क्या कर लेंगे P, F, F किस में स्टोर है जस्ट H ऑफ I मल्टीप्लाई बाई P, लेकिन H ऑफ I में क्या है F और F का आज की वैल्यू क्या है आई थिंक 71, तो इस केस में 71 आएगा जो भी एफ का आस्की वैल्यू में भी 71 और 72 वट एवर, लेकिन आपको इसको एफ को कन्वर्ट एफ के प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या चेक इट
15, तो 15 में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके पास एलिमेंट है एच ऑफ आई, इससे सबट्रैक्ट क्या कराओगे, सबट्रैक्शन फ्रॉम 55, जो भी इसका आस्की वैल्यू होगा उस आस्की वैल्यू में जस्ट सबट्रैक्शन किससे हो जाएगा, 55 से। क्लियर, क्या मिलेगा इस केस में, आस्की वैल्यू ऑफ एफ विच इज 70, आस्की वैल्यू क्या इसका 70, देन जस्ट परफॉर्म क्या होगा इसके प्लेस पर, राइट डाउन करना एग्जैक्टली एच ऑफ आई माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई पी, इसको ऐड कैसे कराओगे, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ डी असाइन किस में हो जाएगा, डी में, लेकिन ये ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कराना, रीजन सपोज दैट नेक्स्ट टाइम फर्दर आपको मिस क्या मिलेगा, वन, और वन के केस में अगर आप 55 सबट्रैक्ट कराओ तो इस केस में इंप्रॉपर वैल्यू मिलेगा, तो वन के केस में सबट्रैक्शन किससे कराएंगे 48 से, मिस आस्क वैल्यू ऑफ जीरो, तो इस केस में पहले आप चेक करोगे एच ऑफ आई में करेंटली या तो 0 to 9 फाउंड होगा या फिर ए टू एफ, तो इस केस में कंडीशन अप्लाई करेंगे यूजिंग इफ एल्स, इफ के बेस पर जस्ट कंडीशन क्या है, इफ एच ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो एंड एच ऑफ आई लेस देन और इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9, तो इस केस में कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, डिजिट्स के लिए, और डिजिट के लिए जो भी एच ऑफ आई एलिमेंट है इसको सबट्रैक्ट किससे कराएंगे, जस्ट आस्की वैल्यू ऑफ जीरो इफ दैट वन, देन इस केस में जस्ट एक्सप्रेशन क्या राइट होगा, डी इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ डी प्लस एच ऑफ आई माइनस आस्की वैल्यू ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाई पावर पी। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केस में इसका मतलब क्या है, मीन्स इसमें दो ही पॉसिबल केस हैं, या तो अल्फाबेट से स्टोर होंगे या फिर डिजिट्स, तो दूसरा केस इस केस में आप फिर से इफ कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एल्स कंडीशन, दोनों का मीनिंग सेम है, एल्स के केस में क्या है, या मीन्स ए और एफ के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करा और ए और एच के केस में ए टू एफ के केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएं, डिजिट इक्वल टू सॉरी डेसिमल इक्वल टू डेसिमल प्लस एच ऑफ आई, इस केस में सबट्रैक्शन किससे होगा 55 से मल्टीप्लाई बाई पी। क्लियर, देन फाइनली जब इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, चेक करते हैं पहले इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कराते हैं, जस्ट मैंने वैल्यू क्या एंटर किया था इस केस में, बट द एंटर्ड वैल्यू, एंटर्ड वैल्यू इज 1AF, 1AF के केस में जस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा इन केस ऑफ 1AF, 1AF अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बेस 16, कन्वर्ट किसमें कराना, बेस 10, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, एफ में मल्टी एफ के प्लेस पर क्या जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 0 व्हिच इज 0, मींस फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हुआ तो इस केस में आई में क्या आसान हो चुका है, आई का वैल्यू क्या 2, पी का वैल्यू क्या 1, डी का वैल्यू 0, कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, देन बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, बॉडी केस में एच ऑफ आई का करंटली वैल्यू क्या है, एच ऑफ आई आई का वैल्यू क्या है 2, और 2 इंडेक्स में क्या है एफ, तो इस केस में इफ कंडीशन क्या है फॉल्स, इसलिए चांस किसको मिलेगा एल्स को, तो एल्स के अकॉर्डिंग जस्ट मैं इसको नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ, इज द गिवन एरे 0 1 2 1 AF एंड नल। क्लियर, थर्ड आई के केस में वैल्यू क्या है 2, तो इस केस में जस्ट पर डी का वैल्यू क्या है 0 0 प्लस एच ऑफ आई, एच ऑफ आई में आई का वैल्यू पास करें 2 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई पी इज 1, जस्ट आपको फर्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराना, रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस का रिजल्ट क्या है 15 मल्टीप्लाई वन इज 15, क्या आना चाहिए 15 इन केस ऑफ एफ, तो टेस्ट कर सकते हो सेम रिजल्ट मिलेगा इससे, 0 प्लस एच ऑफ 2 में क्या एफ, एफ का आस्की वैल्यू क्या है 70, 70 माइनस 55 डिफरेंस क्या आएगा जस्ट 15, डिफरेंस कितने का 15 का मल्टीप्लाई बाई 1, तो इस प्लेस पर क्या है 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज ऑल्सो 15, आसानी किस में जाएगा डी में, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में जस्ट 15। क्लियर, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से परफॉर्म क्या होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पी के केस में पी मल्टीप्लाई बाई 16, तो इस केस में क्या जाएगा 16, मीन्स फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या था 1 विच इज इक्वल टू 16 टू द पावर 0, नेक्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या है 16 विच इज इक्वल टू 16 टू द पावर 1। क्लियर,
देन अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे, आई का वैल्यू क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन एच ऑफ 1 में क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर ए, तो ए के केस में अगेन इफ कंडीशन ट्रू है फॉल्स तो अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म, डी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 15 प्लस एच ऑफ आई में क्या ए माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई पी, पी का वैल्यू क्या करंट 16, जस्ट रिक्वायर्ड क्या था 16 टू द पावर 1। नेक्स्ट केस में ए के केस में रिक्वायर्ड क्या था a मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 1, इसका रिजल्ट क्या चाहिए 160, चेक इट प्लस ये रिजल्ट ऐड किससे हो जाएगा प्रीवियस डिजिट के रिजल्ट से, इस केस में जस्ट 15 प्लस ये क्या प्रीवियस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, a का आज की वैल्यू क्या 65 माइनस 55 इज सिंपली डिफरेंस क्या 10 मल्टीप्लाई बाई 16 160 प्लस 15 क्या जाएगा 175 आसानी किस में जाएगा डी में, तो डी का न्यू वैल्यू क्या है 15 के बाद 175, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन फिर से परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पी के किस में क्या है पी मल्टीप्लाई बाई 16, पी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज नथिंग बट विच इज 16 टू द पावर 2, रिजल्ट क्या आएगा 256 और 256 आसानी किस में जाएगा पी में, तो पी का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा 256 विच इज इक्वलेंट टू 16 टू द पावर 2। नेक्स्ट टाइम अगेन एग्जीक्यूशन होगा तो आई का करंट वैल्यू क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन टेस्ट होगा एच ऑफ 0 में क्या फाउंड होगा कैरेक्टर 1, तो कैरेक्टर 1 में इफ कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या हुआ दैट 1, इस केस में डी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन को नीचे राइट डाउन कर रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं मैं, डी इक्वल टू डी प्लस डी का वैल्यू क्या करंटली 175 प्लस एच ऑफ आई में आई का वैल्यू क्या है 0 माइनस आज की वैल्यू ऑफ 0 का आज की वैल्यू क्या है जस्ट 48 मल्टीप्लाई बाई 256, पी का वैल्यू क्या था 256। नेक्स्ट वन 175 प्लस एच ऑफ 0, एच ऑफ 0 में क्या है 1 का आज की वैल्यू क्या है 49 माइनस 48 डिफरेंस क्या आएगा जस्ट 1 मल्टीप्लाई 256, इसका डिफरेंस क्या है 1 को 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा इस केस में दिस इज नथिंग बट 256 प्लस 175 इन दोनों को ऐड कराने पर क्या आएगा 11 कैरीज 1 6 प्लस 7 इज 13 देन 431 क्या रहा इस केस में अगेन 6 प्लस 5 इज 11 एडिशन इज 1 कैरीज 1 5 प्लस 1 इज 6 6 प्लस 7 इज 13 3 देन कैरीज 1 क्या आएगा 431 अगेन आसानी किस में जाएगा डी में, तो डी का नेक्स्ट वैल्यू क्या है 431 क्लियर। नेक्स्ट टाइम जस्ट कंट्रोल अगेन सेंड कहाँ हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 देन पी में क्या आसान हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई 16 वाट एवर, देन कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या जाएगा माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स फॉर लूप के केस में कंडीशन फॉल्स हो चुका है कंट्रोल करने आउटसाइड लूप, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक कहाँ स्टोर है आपके पास डी में, तो डायरेक्टली लूप के बाद आप रिटर्न क्या करा दो रिटर्न वैल्यू ऑफ डी, डी मीन्स डेसिमल नंबर। नेक्स्ट वन इंप्लीमेंट करेंगे मेन फंक्शन, मेन के रिस्पेक्ट में अगेन सेम केसेस नथिंग न्यू, सबसे पहले क्रिएट क्या करेंगे इनपुट एरे, इनपुट में क्या सप्लाई करना है जस्ट हेक्साडेसिमल एरे, तो हेक्साडेसिमल एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया एज विद साइज एज समथिंग 10, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो, देन इसके अलावा रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में, तो इंटीजर रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट किया जस्ट समथिंग रिजल्ट, इनपुट रीड कराएंगे यूजिंग स्कैन ऐप, तो स्कैन ऐप के केस में हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग हेक्साडेसिमल के अंदर वैलिड डिजिट्स क्या होंगे दीज आर मीन्स 0 to F मीन्स 16, तो इस केस में वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए मैं जस्ट राइट डाउन कर रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन 0 to 9 एंड 8 to F, इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर डिजिट एंटर करोगे तो उसके इसमें रीड करना स्टॉप कर देगा, देन क्लोज दिस रीडिंग वैल्यूज फॉर हेक्साडेसिमल एरे एच, देन इसके जस्ट कॉल क्या कर लेंगे सेम फंक्शन फॉर कन्वर्जन पर्पज रिजल्ट इक्वल्स टू हेक्स टू डेसिमल, सप्लाई क्या करोगे इस केस में जस्ट हेक्साडेसिमल एरे एच, देन डिस्प्ले क्या करा लेंगे प्रिंट ऐप के थ्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट प्रिंट ऐप परसेंट डी वैल्यू ऑफ रिजल्ट, इस केस में जस्ट मैंने लॉजिक डिस्कस किया न कि रेंज, इसलिए मीन आपके लिए केवल वही नंबर टेस्ट करना पॉसिबल है जो इंटीरियर रेंज के अंदर होंगे, क्योंकि मैंने रिजल्ट किस में स्टोर करा है इंटीरियर्स के फॉर्म में, क्लियर।